और इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र के लिए राष्ट्रपति रवाना हो गए हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एंड सब्सिक्वेंट टू दैट बोथ द हाउसेस डिबेट द पॉइंट्स दैट आर कंटेन्ड इन द प्रेसिडेंट्स स्पीच एंड देन अ मोशन ऑफ थैंक्स इज अडॉप्टेड फॉर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। सो दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट्स स्पीच इज व्हाट द गवर्नमेंट विशेस टू टेल पार्लियामेंट अबाउट इट पॉलिसीज, अबाउट इट प्रोग्राम्स, अबाउट द स्टेट ऑफ द इकॉनमी, द स्टेट ऑफ द करंट सिचुएशन इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड इट रिफ्लेक्ट्स what the government looks forward in the coming year and how it is going to go about solving issues and problems and what kind of programs it has in mind. So this is a very significant address because it contains everything that the government wishes to tell the people and parliament about what it intends to do in the coming months. तो थोड़ी ही देर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति रवाना हो गए हैं बजट सेशन के लिए, काफिला निकल रहा है राष्ट्रपति का, कल बजट पेश होगा, बजट सत्र की आज से शुरुआत होगी। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको सुनाएंगे, बजट सत्र की शुरुआत थोड़ी ही देर में। थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रधानमंत्री का मीडिया से मुखातिब हुए थे वो सुनाया था, राष्ट्रपति का काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति रवाना हो चुके हैं बजट सेशन में भाग लेने के लिए। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और कल बजट पेश होगा। आपको बता दें पहली बार ऐसा होगा जब रेल बजट अलग से पेश ना होकर आम बजट के साथ ही पेश होगा। काफिले की सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति निकल चुके हैं बजट सेशन के लिए, थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी बजट सेशन की। आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि बजट सत्र में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वहीं बजट का उपयोग जनहित के कार्यों में होना चाहिए। सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति का काफिला निकल चुका है, थोड़ी ही देर में अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी बजट सत्र की।